हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बिंदु, हमारे चैनल बिंदु ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। अभी फ्रेंड्स मेरे सारे साफ सफाई सारे काम हुआ, कपड़े भी डाल दिए, उठा भी लिए वहां से। और रुद्रा मेरे पीछे पीछे ना लेके ये डाल रहा था, रो रहा है, फालूदा पीना है उसको। अभी ना मैं फालूदा पहले थोड़ा सा गर्म करूंगी, नहीं गर्म करूंगी ये नहीं समझ में आ रहा। अभी किचन का हमें थोड़ा सा समेटना है, बच्चे स्कूल चले गए ना, तो लोगों का खाना बना के मतलब वो सब ऐसे ही पड़ा है। अभी मैं बनाऊंगी खाना। अभी देखिए ना, रुद्र हमको एकदम से परेशान करके रखा है। अब इनको चॉकलेट भी चाहिए, चलो चॉकलेट देती हूँ। ये देखिए बोर्ड है ना कि डर डर, इनको डर लग रहा है। यहाँ से फालूदा मैं ना निकाल के बेड में अभी सुबह के टाइम पे रखी थी ना, यहाँ ऊपर में। अभी इनको चॉकलेट लेना है। ये गद्दा रखने के लिए जगह नहीं है ना, तो ये गद्दा वहीं पे खड़ा कर देते हैं। उस दगे गद्दे के लिए जगह नहीं ना, तो वहां पे मैं खड़ा कर देती हूँ। वहां पे जितना है ना सब कपड़ा के फेंके रहते हैं, इनका दूध पिलाने वाला कपड़ा, मालिश भी करती हूँ, इस पे दूध भी पिलाती हूँ। इनको ना यही चाहिए बस। हाँ एक खा लो, फिर खा लेना ना। ये खाओगे चिक्की? खाना ये चिक्की बोल रहे हैं ये नहीं खाएंगे। हाँ फेंको, बोल रहे हैं कि फेंको। चलो अभी हो गया ना आपका। अभी मैं कपड़े ना बाद में फोल्ड करूंगी, पहले पहले मैं बनाऊंगी ना खाना, क्योंकि ना भूख लग रही है हमको, 1 बज गए। इनके चक्कर में ना टाइम ही नहीं मिलता, इनकी वजह से ना मैं दोबारा पोछा बीमारी हूँ। सारा चॉकलेट में पूजा कर रही थी ना, तो सारा चॉकलेट तोड़ तोड़ के ना नीचे गिरा दिए थे। और ये मटर जो मैं लाई थी, ये मटर थोड़ा सा मतलब ये भी एक पाव तो मटर ये छील के रखे थे। अभी देखिए ना, कॉटन नहीं लगाया ना, तो सनलाइट की वजह से बार बार कैसे हो रहा है। ये छीले थे, बाकी का मैं छीली थी अभी सुबह बैठ के, इसीलिए ना हमें टाइम लग गया थोड़ा। पहले मैं कॉटन लगा दूँ। यहाँ पे कटर लगा दिए हैं, लाइट ऑन करूंगी यहाँ पे। अभी ना हमें बहुत जोर की लग रही है भूख। आज ना मैं बच्चों को टिफिन में कचौड़ी बना के दी थी आलू की, 2 आलू बचे हैं। देखो गैस फैल गया था एकदम। और ये लड़का ना जाने कहाँ लाइटर घुमा देता है। अभी तो मिल भी जाता था पहले, लेकिन अभी इस टाइम लगता है कहीं इसने बालकनी के नीचे तो नहीं फेंका, मिल ही नहीं रहा है। अभी ना हमको खाना बनाते बनाते लगता है ना शाम हो जाएगा। कोई आने वाला भी है, सरप्राइज है आप लोगों को, मैं शाम को बस दिखाऊंगी। अभी 2 आलू बच गए थे, ज्यादा थे। अभी उसका जो तला हुआ आलू थोड़ा सा बचा था ना, हमें नहीं तलना पड़ता उसको, ये सुबह खा लिए थे। इतना खेल रहे थे ना, रात को 9:30 बज रहा था, इतना खेल रहे थे, सारा किचन मेरा आलू से इधर उधर। मैं बोली जितना नई प्याज है नई की जगह रखो, पुरानी पुरानी की जगह रखो। बोले ठीक है मम्मी मैं कर दूंगा, फिर भी ना नहीं किए, हट गए बैक आके। हमें ना सब करना पड़ा। और सुबह ना हम बहुत लेट उठे थे आज, अच्छा हुआ कि रात को मैं आलू उबाल के सोई थी। खाता भी नहीं है सारा ना, थोड़ा सा खाएगा काट काट के ना हर जगह गिराएगा, और मुंह में डाल के ना उसको गीला करके ना गिरा देता है। देखो तेल से धुआं आ रहा है। यही 2 आलू मैं कल के पहले खाऊंगी ना, हमको ना बहुत तेज से भूख लग गई है। उसी पे आलू पे ना ये जाके चढ़ जाते हैं। बोले देखो दिखा दो, दिखा खिला दो सबको, फिनिश हो जाएगा फिर आपका। ये खिला रहे हैं आप सबको, चलो अभी जाओ खेल। मैं नहीं खाऊंगी।
देखिए मेरा झटपट आलू मटर तैयार है। अब इसे मैं खाऊंगी तब मैं करूंगी काम। पहले मैं दाल ना डाल देती हूँ, अब जाओ खाओ। ये ना पानी पी लिए, कैसे उठा के पटक रहे हैं बर्तन। इसमें ना मैं लहसुन कूट के नहीं डाली हूँ, लहसुन का मैं तड़का लगाऊंगी इसे जब फ्राई करूंगी तब। लाइटर जाने कहाँ गुम कर दिए, बड़ी दिक्कत हो रही है, माचिस खत्म हो गई। यहाँ पे हम चाय रख दिए, चाय हमारा मैं कर लेती हूँ, थोड़ा सा खा लेती हूँ कुछ, तब कर लेती हूँ सब्जी उब्जी में। चलिए हम खाते हैं अपना आलू, फिर सब्जी उब्जी काटते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। सो फ्रेंड्स, से देखिए मेरा रुद्रा ना बड़ी मुश्किल से सो गया है, अभी ये परेशान कर रहा था ना, और मैं सब्जी काट रही थी बालकनी में बैठ के, तो ये देखिए ये सो गए, ये सो गए। और जैसे मैं चावल निकाली ना उनके सुनाने के बाद चावल निकाली, तो कोरियर वाले भैया पार्सल आ गया, कुछ कन्हैया कुछ मंगाए हैं आ जाए। 3 बज गया दोपहर, शाम को 3 बज गए। और मेरा अभी है ना, हम इधर रखे हैं तेल गरम करने के लिए, तेल मेरा गरम हो रहा है, मेरा चावल का पानी जो है गरम हो रहा है। हम यहाँ पे फालूदा भी बना दिए थे, फालूदा रखी थी ना, तो मैं सब्जी काटने बैठी थी बालकनी में, मेरा फालूदा भी बन गया और सब्जी काट के रखे, लहसुन प्याज अदरक ये सब कूट लिए। अभी यहाँ से ना हमें कचड़ा सब साफ करना है, यही बैठ के ना मैं सब्जी काट रही थी। रुद्र बार बार ना सामान नीचे फेंकता है, अभी तो कुछ उनका खेलने वाला फेंके हैं नीचे, शायद कोई उठा के ले गया, दिख भी नहीं रहा है, कोई बच्चा लेके गया। अभी मेरा ना ये तेल हुआ है गरम, कचौड़ी बनाई थी ना सुबह में बच्चों के लिए, वही मतलब कढ़ाई वही है, तेल नहीं है, वो दूसरा तेल डाली मैं सरसों का, क्योंकि जल्दी जल्दी करना है। 3 बज गए, 15 मिनट में बच्चे आएंगे, दाल बना है बस हमें फ्राई करना है उसको, और मैं यहाँ पे चावल डाल दूँगी, 15 मिनट में तो चावल हो ही जाएगा, सब्जी भी लगभग लगभग हो जाएगी। सृष्टि के आते आते, सृष्टि ना बिना सब्जी के नहीं खाती है, सेवा को सब्जी नहीं चाहिए होता है, दाल चाहिए होता है, वो भी बिना फ्राई वाली दाल सेवा को चाहिएगा, इसलिए ना मैं दाल उनके लिए शादी निकाल लेती हूँ। लहसुन का और जीरा का तड़का लगा तो ना तो खा लेते हैं थोड़ा, और नहीं तो ना वो बिना तड़के वाली दाल खाते, एकदम सादी दाल सिवा। ठीक हो जाएंगे ना तुम्हें शिमला मिर्च। स्टेशन जाना है पिकअप करने, किसी को लेने जाना है उनको। हो जाएगा मेरा अभी ये फालूदा ना मैं फ्रीजर में रखूंगी, थोड़ा ठंडा हो जाए, ये ठंडा हो गया है लेकिन ठंडा हो गया 4 बजे तक, जो आ रहे हैं ना उनके लिए चाहिए। हमारी जिंदगी में ना हमेशा भागा दौड़ी ही रहती है, कभी शांति नहीं रहती है हमारी जिंदगी में, हर काम के लिए दौड़ना है। साथ ही ना नमक डाल दूंगी ताकि जल्दी से हो जाए। पाउडर भी दबा देती हूँ ताकि पकता रह जाए इसके साथ साथ। हल्दी भी डाल दूंगी।
अभी हमारी सब्जी भी ना थोड़ा टाइम है। लहसुन डाल दूंगी मैं, कुटी नहीं इसे डाल देती हूँ, कुटने भी क्या ना सिर रुद्र उठ जाएगा। अभी फोन आ गया, हमें स्टेशन जाना है, अभी मेरी रोटी नहीं बनी है, हमारे बच्चे आ गए और यहाँ पे रोटी नहीं बनी है, हमें पिकअप करने जाना है। दाल मैं फ्राई कर दूंगी, पहले टमाटर नहीं डालना है, टमाटर तो मैं डाल देती हूँ इसमें, और सब्जी भी लगभग लगभग हो ही गई है। पिकअप करके आती हूँ ना उनको, तब बनाती हूँ रोटी मैं। भूख लगी सृष्टि ज्यादा क्या? इतना जोर से लगी है क्या बताऊँ, इनको बहुत जोर से भूख लगी है। आप बताओ, हमें स्टेशन पिकअप करने जाना है और यहाँ मेरा काम नहीं खत्म हो, रुद्र ना बहुत परेशान कर देता है। यह है शिवा की दाल, आप लोग भी देख रहे हैं भाग भाग के काम करना पड़ रहा है सृष्टि के लिए, बना के ना मैं तब जाऊंगी स्टेशन तुरंत। शिवा का दाल में रखू निकाल के सृष्टि का भी मैं खाना निकाल ही देती हूँ। थोड़ा सा चावल दे देती हूँ सृष्टि को आज, क्योंकि टाइम नहीं है ना स्टेशन हमको जाना पिकअप करने। बाकी की रोटी आने के बाद मैं बनाऊंगी। एक स्कूटी की चाबी इधर दो बेटा, स्कूटी की चाबी। अचार उचार लेना ले लो सृष्टि, तुम अचार मत खाना ना, मैं आने के बाद ये सब ना सही करूंगी, अभी टाइम नहीं है, अभी मैं जा रही हूँ। सिलेंडर नीचे से बंद कर दिए, चाबी सुनी नहीं है, नहीं देखो मेरे पास से मैं क्या, ये लो ये दूसरी वाली दे दो यार, दूसरी ही दे दो, मेरा फटाफट हो गया है। अभी रोटी बनाना है, रोटी आके मैं ना तब बनाऊंगी, क्योंकि ना स्टेशन बस ट्रेन पहुंचने वाली है, बिहपुरी पहुंच गए हैं। सो फ्रेंड्स देखिए मैं आ गई स्टेशन से लेके लेने गई थी स्टेशन, ये रहा इनका बैग, ना मैं लेके पीछे बैठी थी, ये हालत ख़राब कर दी है, ले लो शोल्डर बैग में। ये क्या बोले थे कि 4 बजे मैं आऊँगा, कन्हैया आ गए हैं, ये बोले थे ना कि 4 बजे मैं आऊँगा स्टेशन, और आ गए ना 3:15 भी नहीं बजा, 3:15 बजे तो आ ही गए, जैसे मेरे बच्चे आए ना स्कूल से 3:15 बजे, वैसे ये भी आ गए। बेचारे बच्चों को रोटी नहीं बना पाई मैं। हाँ भैया, हाँ अभी आ गए गांव से, लिफ्ट ना चालू बा ठीक बा, लिफ्ट बंद बा ना, तो यहाँ वॉचमैन ना बाटे निकल, यहाँ पे ना वॉचमैन भी नहीं है, बिल्डर पैसा नहीं दे रहा वॉचमैन, वॉचमैन भी नहीं है, अभी 10-15 दिन से ना लिफ्ट भी बंद है, बड़ी समस्या हो रही है यहाँ पे। आ गए भैया, अभी फिर से मेरी जिम्मेदारी खत्म, अभी ये अपनी जिम्मेदारी देखेंगे, अब मैं बनाऊंगी ना फटाक से रोटी।
चलिए हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी मेरा शिवा खाना खा ही रहा है, देखिए क्या क्या करके खा रहे हैं। अब ये खाना खा रहे हैं, मैं बनाऊंगी कन्हैया के लिए भी रोटी। और चलिए हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से। सो फ्रेंड्स, मेरा खाना बन गया है, कन्हैया ने फालूदा पिया, उसके बाद चाय पी है, अभी खाना नहीं खाए हैं, बच गया है। देखिए टाइम क्या हो रहा है, 4:20 हो गए, लेकिन अभी ये खाना नहीं खाए हैं और खाना खाएंगे भी नहीं, अभी थोड़ी देर बाद खाएंगे। अभी ये सामान निकाल रहे थे अपने बैग से, ये मार्केट, ये है प्रसाद, बिजेठुआ महावीर गए थे बजरंगबली, मम्मी पापा परसों गए थे, कन्हैया परसों गए थे, ये है प्रसाद बजरंगबली का लड्डू। और मेरा ये रहा होम्योपैथिक दवा 2 महीने का। और ये है नारियल प्रसाद, शायद विंध्याचल गए थे ना अम्मा पापा मम्मी सब इनके जाने से पहले, तो ये वहाँ का प्रसाद है विंध्याचल का। इसमें भी ना खटाई है, अचार है, और मेरी बड़ी ननद भी ना मेरे लिए खटाई भेजी थी, ये लाए नहीं है पूरा, मम्मी ने इतना दिया है। और ये है 3 डब्बा मिठाइयाँ, ये है मिठाइयाँ पापा भेजे हैं। और क्या है इसमें, पेड़ा है, बर्फी है, इसमें भी पेड़ा है, इसमें तो बर्फी है, आप लोग भी खाइए। कन्हैया एक निकाल के खा लूँ क्या, बर्फी आप लोग भी खाइए, ये पेड़ा बर्फी, ये बर्फी पेड़ा, मतलब ये 3 डब्बा है, एक मेरे लिए, मेरे पापा की बहन रहती हैं खार घर में उनके लिए, और ये बदलापुर इनकी भाभी के लिए। हम मंगवाए थे कन्हैया से, हमें ना दसौना बनाना है, एक बिस्तरा। रुद्र उठ गया, अभी मैं रुद्र को देखूंगी, हमें ना बिस्तरा बनाना है। और हमारे पास ना वो जो रुद्र की ना सृष्टि की बिछा लेवनी है सारी छोटी छोटी, वो सब शिवा भी यूज किया है, रुद्र भी यूज किया है। अभी मैं सोच रही हूँ क्या ना 6-7 हैं तो सब ना एक साड़ी पे रख के ना उसको साट के उसका बड़ा सा बिस्तरा बना दूँ मैं। 5-6 रहता है ना, कई जगह रखना पड़ता है, एक ही जगह बना दूंगी। यहाँ धागा वो नहीं मिल रहा था हमको ना, तो कन्हैया से मैं बोली थी कन्हैया वही धागा लेके आए हैं, यही सब सामान है। अभी पता है कन्हैया का छोड़ के आए वहाँ पे, ये छोड़ दिए वहाँ पे ना सिरका, मेरी बड़ी ननद है ना, वो सिरका भी मत डालना कन्हैया उसके मुँह में, मत डालो, वो पेड़ा डाल रहे हैं उसके मुँह में, वो नहीं खाता मीठा उठा, तो ये सिरका ना नहीं लेके आए हैं। एक एक सामान दिखाऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यही सब सारे सामान है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और यही सब है सामान जो गांव से आया है, मम्मी ने भेजा और मेरी ननद ने दिया। और आज शनिवार है, हमें सोच रहे हो ना मैं दर्शन करने भी चली जाऊँ, कन्हैया आए हैं तो अभी शाम हो गई है, दर्शन कराती हूँ मैं शनिदेव बजरंग बली का, तो चलिए हम जाते हैं मंदिर, करते हैं दर्शन। सो फ्रेंड्स, मैं तैयार हुई, देखिए अभी नहा रही थी ना मैं, तो मेरे कान का ना एक गिर गया, मेरे यहाँ ना स्लिप में यहाँ बाजू में आके अटका था, मैं सोची क्या गड़ रहा है, तो देखी ना ये कान का था, इसका पेच जो है ना तरली होता ना ये खराब हो गया है। अभी मैं जा रही हूँ इसका वहाँ भी लगाऊंगी, करूँगी दर्शन, आप लोगों को भी दर्शन मैं करवाऊंगी। बच्चे मेरे ना चिल्ला रहे एकदम से, यहाँ मैं फ्रिज पे रखी थी, चलिए चलते हैं दर्शन करते हैं। और ये देखिए बाबू ना परेशान है, इसको टोपी लगा दी है ना क्योंकि गाड़ी पे हवा लगेगा, तो ये रो रहे हैं, उसको निकालो, चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच गई मंदिर, 7:20 आज मैं इतना ज़्यादा लेट हुई हूँ कि देखिए मंदिर की हालत, यहाँ पे ना लाइन लगी है आज। चलो बाबू, मैं भी ना लगती हूँ लाइन में यहाँ से। ये लाइन में रहना है क्या अभी? मैं भी ना लाइन में खड़ी हूँ, ये देखिए ये लाइन लगी है यहाँ पे। आज बहुत लेट हुई ना, हम पहली बार ऐसा आए हैं कि हमें लाइन में लगना पड़ा था।
सो फ्रेंड्स, हमारा हो गया दर्शन। ये देखिए यहाँ की भीड़। अभी हम चलेंगे यहाँ से घर। अभी पहले जाऊँगे मैं सोनार की दुकान पे। अभी कन्हैया अंदर नहीं गए थे, बोले कि तुम जाओ और उधर जाए, मैं नहीं जाऊँगा। वहाँ पे खड़े हैं उनके लिए भी ना, ये टीका मैं लगाई थी ना पीला चंदन, उनके लिए भी ना उंगली में लगा के आई हूँ। क्या ये ले लूँ? कन्हैया का लगा लेती हूँ थोड़ा सा। कन्हैया को भी ना हम लगा दिए, ये टीका लाई थी पीला वाला लगा के हाथ में। देखिए वहाँ बाहर से लाइन लगी हुई है, रोड पर से बाहर से सारी लाइनें हैं, अंदर तक लाइन लगी है। कन्हैया रज को कागज नाए हुए और प्रसाद हाथ में लेके चली आए। आज कागज ना रहा मंदिर में। हमें मिल गई है पेज, से निकाल के देखी नई पेज इसमें लगवा रही हूँ। आगे यहाँ दुकान पे बहुत बड़ी दुकान है। भैया बोल रहे हैं सोना लेना है क्या? औकात नहीं है सोना लेने की। ये मोटी मोटी चैन भैया वैसे दे दे तो ले ले। मेरा पेज लग गया। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ दर्शन करने बजरंग बली का। बजरंग बली का दर्शन करें, यहाँ पे हम सिंदूर ले लिए हैं। ये देखिए अभी हमें वहाँ जाना है। ये मंदिर ना थोड़ा ऊपर में है, अंदर Yeah.